हेलो गाइस, अन्नपूर्णा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स वाली दाल। चार पांच तरह की दालें मिक्स कर अगर बनाएं तो उसमें टेस्ट ही अलग आता है। कई बार घर में हम अलग अलग तरह की दालें बनाते हैं तो उनमें से थोड़ी बहुत दालें हमारे पास बच जाती है तो समझ में नहीं आता, क्योंकि पूरी नहीं होती तो उनको मिलाकर बना दिया जाता है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मेरे पास कुछ दालें बची हुई है, मैं उन सबको मिलाकर आज मिक्स दाल बनाऊंगी। देखिए, मेरे पास कई प्रकार की दालें बची है, जैसे मूंग मसूर, तुअर की दाल, अरहर की दाल, चना दाल, मूंग की दाल, कई तरह की दालें बची हुई है। मैं अब इन सबको मिक्स करके मिक्स दाल बनाऊंगी। अगर आपके पास दो तीन प्रकार की भी बची है तो आप उसको भी मिक्स करके बना सकते हैं। देखिए, सभी दालों को मैंने मिक्स कर लिया है और अच्छे से मैंने इनको धो भी लिया है। अब दाल के लिए हम मसाले की तैयारी करेंगे। इसके लिए दो प्याज बारीक बारीक काट लेंगे, चार पांच हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे, कुछ लहसुन की कलियां ले लेंगे। दाल को कुकर में डालेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। अगर हमारी दाल एक कटोरी है तो उसमें तीन कटोरी हम पानी ऐड करेंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर मैं गैस पर इसको रख दूंगी और गैस की फ्लेम को मैं तेज कर दूंगी। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है और उसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और फिर उसको थोड़ी देर हम गैस पर गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा जीरा और तेज़पत्ता डाल दूंगी और वो हल्का भून जाने के बाद फिर उसमें कटी हुई बारीक प्याज डाल देंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर उसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और फिर उनको अच्छे से हिलाएंगे। फिर जो हमने बारीक लहसुन काट के रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब प्याज हल्की सी भून गई है, अब जो हमने लहसुन पीस के रखा था वो उसमें हम डालेंगे। लहसुन को थोड़ी देर पकाएंगे। अब देखिए, लहसुन को पकाते थोड़ी देर हो गई है, अब इसमें से हल्की हल्की लहसुन की खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, एक टीस्पून धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार लाल मिर्च। अब थोड़ा हम चम्मच को चलाएंगे और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना और अच्छे से पक जाए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से हिलाकर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए, इधर हमारी दाल भी पक गई है। और हमारा मसाला भी तैयार हो गया। देखिए, तेल अच्छे से इसने छोड़ दिया है, अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमने दाल उबाली थी वो डाल देंगे और अच्छे से इसको हिलाएंगे।
दाल हमने अच्छे से हिला ली है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक हम स्वाद अनुसार ही डालेंगे और फिर इसको भी अच्छे से हम हिला देंगे। नमक को दाल में अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए अब ये दाल बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी बनाइए एकदम सिंपल तरीके से टेस्टी और स्वादिष्ट दाल। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये दाल कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।